हेलो व्यूवर्स, मैं सुदीप आपको अपना चैनल सुदीप वुमेन कुकिंग में स्वागत करता हूँ। और आज हम बनाने वाले हैं कैबेज और मछली से एक रेसिपी। तो यहाँ पर हमने बड़ा साइज का एक कैबेज लिया है। यहाँ पर फिश का हेड है जिसको हमने हल्दी और नमक से तेल में फ्राई करके रखा है। यहाँ पर है कटी हुई प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन। यहाँ पर है हरी मिर्च, सारे मसाले, तेजपत्ता, नमक और सूखी मिर्ची। तो चलिए पहले हम लोग बंद गोभी को थोड़ा छोटा छोटा पीसेस में काटेंगे। चलिए करते हैं व्यूअर्स। ये हमने कैबेज को छोटा छोटा पीसेस में काटा है और दो बार धो भी लिया है। और यहाँ पर कढ़ाई गर्म हो गया है और अभी हम इसमें रिफाइंड तेल डाल रहे हैं। और यहाँ पर पहले आलू को फ्राई कर लेंगे। आलू को पहले हमने बॉईल कर लिया था, थोड़ा सा नमक भी देंगे। थोड़ा सा हल्दी, फ्राई होने के बाद उतार लेंगे। तो आलू हमारा फ्राई हो गया है और अभी हम इसको उतार रहे हैं। और अभी ये सूखी मिर्च और तेज पत्ता को थोड़ा फ्राई करेंगे। इसमें थोड़ा जीरा भी दे रहे हैं। और अभी इसमें प्याज दे जाएंगे और प्याज को कुछ समय तक फ्राई करेंगे। प्याज हमारा फ्राई हो गया है और देखिए ऐसा कलर चेंज हुआ है। और अभी हम इसमें टमाटर और अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। अदरक लहसुन को हमने ग्रेट कर दिया था और उसको कुछ समय तक पकाएंगे। अभी हम इसमें थोड़ा सा नमक मिला रहे हैं। नमक मिलाने से थोड़ा जल्दी टमाटर गल जाएगा। टमाटर प्याज के साथ अच्छी तरीके से फ्राई हो चुका है। इसको हमने लो फ्लेम में ढक के पकाया था और अभी हम इसमें मसाले मिला रहे हैं, जैसे धनिया, जीरा, कश्मीरी मिर्च, हल्दी पाउडर। और इसमें थोड़ा सा गर्म पानी भी मिलाएंगे ताकि मसाले नहीं जले, कुछ समय तक और इसको पकाएंगे ढक के लो फ्लेम में। इसमें हम आलू भी मिला रहे हैं जो फ्राई करके रखा था। तो हेलो व्यूअर्स, कुछ समय तक पकाने के बाद ये हमारा प्याज मसाले के साथ अच्छे तरीके से पक चुका है। देखिए तेल छोड़ा है और अभी हम इसमें कटी हुई बंद गोभी मिलाएंगे। बंद गोभी को यहाँ पर पकने में टाइम लगेगा।
तो हम कुछ समय तक ढक के पकाएंगे। बस बंद गोभी हमारा कुछ फ्राई हो गया है और अभी हम इसमें मछली ऐड कर रहे हैं। ये बहुत ही टेस्टी होता है, बंद गोभी के साथ मछली का भी टेस्ट हो आएगा। कुछ समय तक और पकाएंगे। हेलो व्यूअर्स, करीब आधा घंटा तक हमने पकाया लो फ्लेम में ढक के और अभी ऑलमोस्ट कम्प्लीट ही है। कुछ समय धनिया देने के बाद और थोड़ा पकाएंगे और इसके बाद हमारा ये रेसिपी कंप्लीट हो जाएगा। तीन चार हरी मिर्ची भी दे रहे हैं और गरम मसाला। कुछ समय ढक के और पकाएंगे, तो मिक्स कर लेते हैं। देखो अभी कुछ समय 10-15 मिनट और ढक के पकाएंगे और इसके बाद कंप्लीट होगा और होने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ। हेलो व्यूअर्स, करीब आधा घंटा पकाने के बाद ये हमारा रेसिपी कंप्लीट है, फिश हेड विथ कैबेज। और अभी हम इसको उतार के आपको प्रेजेंट करता हूँ। तो हेलो व्यूअर्स, ये हमारा बन के अभी मछली का हेड के साथ बन के तैयार है और मैं आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ। आपको हमारा बनाने का प्रोसेस अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो थैंक यू व्यूअर्स।